प्रयागराज से बड़ी खबर है, एसपी विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। ट्रायल कोर्ट आज दोपहर 2 बजे तक इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकता है। एडीजी कोर्ट ने 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हत्याकांड में पूर्व एमपी कपिल मुनि करवरिया और पूर्व एमएलए उदयभान करवरिया आरोपी हैं। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी सूरज भान और रामचंद्र त्रिपाठी भी इसमें आरोपी हैं। 13 अगस्त 1996 को गोलियों से भूनकर जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई थी। सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच AK-47 से गोलियां मारी गई थी उनको। तो ये इस पूरे मामले का इतिहास, और अब से कुछ देर बाद संभवतः इस पर फैसला आ जाएगा। 23 साल पुराना ये पूरा मामला है। पूर्व विधायक और सपा नेता जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में इंतजार की जो घड़ियां हैं वो आज खत्म हो सकती हैं, और दोनों ही पक्षों का क्योंकि राजनीति से लेना देना है, ऐसे में इंतजार इस पूरे फैसले का हर कोई कर रहा है। आपको बता दें कि मरहूम जवाहर यादव का परिवार भी राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा रखता है, ऐसा न्याय का इंतजार इनको भी है। और इस पूरे मामले में 4 लोग आपको बता दें कि 4 साल से जेल में ही बंद है। हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, कितनी देर में उम्मीद की जाए कि फैसला पूरे मामले को लेकर आ जाएगा? देखिए, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 बजे तक जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुना सकती है। 23 साल पुराना मामला है। 13 अगस्त 1996 में प्रयागराज के सिविल लाइंस में AK-47 की जो गोलियां हैं वो तड़तड़ाहट होती है और एक राजनीति को हिलाने वाली घटना होती है, और जवाहर पंडित हत्याकांड ने पूरी तरह से राजनीति को उस वक्त हिला दिया था। उस वक्त पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, साथ ही साथ पूर्व विधायक उदयभान करवरिया समेत तमाम और भी राजनीतिक दिग्गजों का नाम आता है, इसमें आरोपी बनाए जाते हैं। उसके बाद 23 साल के बाद आज हो सकता है कि 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुना दे। 18 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज 2 बजे के बाद, लंच के बाद, कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। 23 साल पुराना ये पूरा मामला था। राजनीतिक रंजिश की वजह से हत्या हुई थी। इसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाह पेश हुए थे जिन्होंने अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही दी है, और कपिल मुनि की तरफ से बाकायदा 156 गवाह जो हैं वो पेश किए गए थे कोर्ट में, गवाही सबकी हो गई थी। 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। माना जा रहा है कि आज 2 बजे के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ये 1996 का ये पूरा मामला है जब प्रयागराज में सिविल लाइंस के पास AK-47 गूंजती है, और आनंद फानंद में जब स्थानीय लोगों को मालूम चलता है तो पता चलता है कि जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उस वक्त राजनीति में ये चर्चा का केंद्र बना था, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी घटना थी, क्योंकि जवाहर पंडित जो है समाजवादी पार्टी के एक बड़े विधायक थे और एक बड़ा कद था उनका। ऐसे में प्रयागराज में उनकी गोली मारकर हत्या कर देना, ये अपने आप में साफ कर रहा था कि कहीं ना कहीं से राजनीतिक रंजिश की वजह से उनकी हत्या हुई है। उसके बाद ये पूरा मामला चलता रहा कई सालों से, जो है उदयभान जेल में रहे, कपिल मुनि भी जेल में रहे, और अब वो फैसले की घड़ी नज़दीक आ चुकी है जिसको लेकर कोर्ट अपनी सुनवाई कर सकता है। आज 2 बजे के आसपास माना जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, और लगभग ये तय माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट आज एक पक्ष को लेकर कुछ राहत दे सकता है, या हो सकता है कि आज जो सज़ा है वो बरकरार रखी जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फिलहाल देखने को मिल सकती हैं 2 बजे के बाद। फिलहाल 23 साल पुराना मामला है। इसका थोड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ कि ये मामला तब का है जब 1996 में प्रयागराज में अक्सर ये देखने को मिलता था कि जो ठेके को लेकर लड़ाई चलती थी, साथ ही साथ खनन को लेकर जो है काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई दिखाई पड़ती थी, तो इसी वजह से नाम सामने आए थे कपिल मुनि, उदयभान, इन सब का जो नाम था एक अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता था, तो उस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।
हालांकि इस हत्याकांड में जो तमाम जो गवाही होती रही, लेकिन कई ऐसे गवाह थे जो मुकर गए। 18 जो गवाह हैं वो अभियोजन पक्ष की तरफ से आए हैं, 156 गवाह जो है वो बचाव पक्ष की तरफ से आए। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट कहता है, लेकिन फिलहाल 2 बजे का सबको इंतजार है, सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। हो सकता है कि कोर्ट आज अपना फैसला सुना दे और 23 साल पुराना जो पूरा मामला है उस पर आज अपना जजमेंट दे दे। जी शुक्रिया विशाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंतजार हर किसी को है, 23 साल पुराना ये पूरा मामला, और अब देखना है कि लंच